श्रीकृष्ण गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे योग शब्द का अर्थ अनेक प्रकार से किया जाता है। योग का एक अर्थ ये है कि जिसके द्वारा हम कार योगेन अत्र हम कार के द्वारा यहाँ आ गए। योग माने साधन। उसी प्रकार से योग का अर्थ करते हैं कि ट्विस्टिंग द बॉडी। दूसरे अर्थ करते हैं योग का अर्थ प्राणायाम। तो ये दो शब्द जो है योग और ज्ञान, इसको लेकर के भगवान प्रश्न करते हैं। कल हमने ज्ञान की बात देखी, भगवान की दया से आप भूल गए होंगे। प्रशांत सर्वसंकल्पम चिदात्मानम उपासमहे शब्द रूप स्पर्श गंधैहि आभासम समागतम तैरहितम शांतम चिदात्मानम उपासमहे महामहिम संयुक्तम रहितम सर्वभूतिनिः कर्तृत्वे अपि अकर्तारम चिदात्मानम उपासमहे। तीन स्थानों पर हमको ध्यान देना है, उसको उपासना कहते हैं। तो पहला स्थान क्या है कि जो संकल्प रहित अनुभूति है, माने जिसमें कुछ समझना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, यह हो गई पहली उपासना, संकल्प रहितम ध्यानम, पहली उपासना। दूसरी उपासना कहते हैं शब्द रूप स्पर्श गंधैहि आभास समागतम। तो जब तक के हमारे ज्ञान में, ये बहुत सूक्ष्म बात है, कल हमने तीन बार रिपीट की थी, हम फिर बताते हैं, हमारे ज्ञान में जब विशेषता आ जाती है तो हम अपने से दूर चले जाते हैं। जैसे रंग ले लो, रंग अनेक प्रकार के हैं, लाल पीले हरे नीले। तो जब हमारा ध्यान इन अनेक रंगों की तरफ होगा तो हम अपने दृष्टि से दूर चले गए, क्योंकि दृष्टि क्या है? दृष्टि है निर्विशेष ज्ञान। दृष्टि को अपना कोई रंग नहीं है, दृष्टि का किसी भी एक रंग विशेष के प्रति दुराग्रह नहीं है। देखो कितनी महत्व की बात है। इसीलिए ज्ञान की जो विशेषता है उसको जब हम महत्व देते हैं तब हम अपने आप से दूर चले जाते हैं। फिर इंद्रिय, इनको जब महत्व देंगे तो विषय में फंसे हैं, इंद्रियों से हटे तो मन में आ गए। मन में किसी विशेष विषय के लिए दुराग्रह नहीं है, आंखें केवल रूप को ही देखेंगी, हम नहीं सुनेंगे शब्द। आंखें कहती है हम नहीं सुनेंगे, हम केवल रूप रंग ही देंगे, दुराग्रह है। लेकिन मन में आ जाओ तो मन में सब ठीक है, शब्द भी है ठीक है, स्पर्श भी है ठीक है, रूप है ठीक है। देखो ये बड़ी सूक्ष्म बात है, विशेषता से निर्विशेष की तरफ जो हमारा चलना है उसको कहते हैं अध्यात्म, यही उपासना है। घंटी बजाने की उपासना नहीं है,
उपासना है, तो दूसरी उपासना बताई, फिर तीसरी उपासना बताई। तई रही रहितम शांतम चिदात्मानम उपासमहे, और फिर महामहिम संयुक्तम रहितम सर्वभूतिविहीन। भूति माने विशेषता, प्रॉस्पेरिटी, सिद्धि। कहते यहाँ कि महामहिम संयुक्तम रहितम सर्वभूतिविहीन, हमको अपने में कोई विशेषता निर्माण नहीं करनी। विशेषता कैसी होती है देखो, छोटी छोटी बातों से पता चलता है। जो घास खाने वाले हैं वेजिटेरियन, वो अपने आप को नॉन वेजिटेरियन वालों से बड़ा श्रेष्ठ समझते हैं। हम नहीं मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं, क्योंकि हम विशेष हैं। ये देखो वेजिटेरियन लोग जो होते हैं उनके मन में नॉन वेजिटेरियन लोगों के प्रति कैसी घृणा होती है, क्योंकि हम विशेष हैं। उसी प्रकार से जो वेजिटेरियन है उससे बढ़कर के हम श्रेष्ठ हैं। कौन है वो? आई एम वेगन। वेगन माने जो डेयरी के प्रोडक्ट्स नहीं खाता। तो अपने आप को सबसे विशेष करके रखना, यह अध्यात्म नहीं है। जो जैसा है ठीक है, अपने को क्या लेना देना है। हम जब कई बार जाते हैं कहीं कहीं, तो हमको कहते हैं लोग, स्वामी जी आप जरा वेजिटेरियन के बारे में बोले। हमने कहा हमको क्या बोलना है, ये आप निर्णय लोगे तो आप ही बोलो ना, मैं उतर जाता हूँ, आप स्लो हो जाओ। तो उनका दिमाग यही है, अध्यात्म माने घास खाना। तो सभी के सभी हमारी जितनी भी बकरियां हैं वो तो बड़े ज्ञानी हैं, वेजिटेरियन है। इस चक्कर में मत पड़ना, कौन क्या करता है हमको क्या देना देना है, बाढ़ में जाए दुनिया। अपना ध्यान अपने स्वरूप की तरफ रहे, इसको कहते उपासना। उसके बाद कहते हैं इति निश्चित ये सत्य पदे सुखम अवस्थिता न नंदति न निंदति जीवितम मरणम तथा। तो ऐसे जो अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गए हैं, उनके लिए ना जीने की तमन्ना है ना मरने का इरादा है। देखो जीवन चल रहा है, लेकिन वही दिमाग में आ जाता कीड़ा, मरने के बाद क्या होगा। सरल उसका उत्तर है, जब जिंदा है तब कुछ हुआ नहीं, तो मरने के बाद क्या होने वाला है। हाँ एक चीज जरूर होगी, लोग खुश हो जाएंगे गया। इसीलिए न नंदति न निंदति जीवितम मरणम तथा, ना हमको जीने से कोई मतलब है ना मरने से कोई मतलब है। जैसे आकाश को कोई मतलब नहीं है, तूफान चले हवा का कोई मतलब नहीं, बारिश आ जाए कोई मतलब नहीं, आग लग जाए दुनिया को कोई मतलब नहीं, भूचाल आ जाए कोई मतलब नहीं। अपने में ये रोज होता है, हम आपको कोई नई बात नहीं बता रहे, रोज होता है। अच्छे विचार आते हैं चले जाते हैं, बुरे आते हैं चले जाते हैं, रोग होता है चले जाता है, दूसरा आ जाता है, चल रहा है। भूख लगी खाना खाया भूख चली गई, फिर भूख लगी फिर खाना खाया भूख चली गई, ये अखंड चल रहा है। इसमें है क्या नई बात। देखो इस प्रकार से मनस्तेषां निरागम अनुपाधि गत भ्रमम। तो ऐसे जिन्होंने उपासना करी है उसका तात्पर्य, अब उनका जो मन है वो गत भ्रमम, अब उनके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। किसी भी चीज का दुराग्रह करो तो आप संसारी हो। एक बार की बात है, हम सिडनी में थे और वहाँ अपने ये जो आरएसएस के कार्यकर्ता है
किसी ने हमको बुलाया उनके यहाँ खाने के लिए, और खाना फ्री में नहीं मिलता, प्रश्न पूछने होते हैं, हमको उत्तर देना पड़ता है। तो वहाँ जब हुआ तो कहते हैं स्वामी जी हम थोड़ा वॉक करते हैं, मुझे कुछ पर्सनल प्रश्न पूछने हैं। अब किसका नमक खाया तो नमक हराम कैसे हो, ठीक है चलो। फिर उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी हम लोग ये कार्य विस्तार को कैसा प्राप्त करें, इसको कैसे बढ़ावे, आपको सजेशन दीजिए। हमने कहा इसका कारण मालूम है क्या है, आप अपने आप को दुनिया से अलग करके रखते हो। देखो यदि हम आपके सामने केवल शुद्ध संस्कृत भाषा में बोले तो कोई आएगा? देखो इसी प्रकार से लोग कैसे हैं, उनको ये लगना चाहिए अरे यार ये तो अपने में ही है, कोई अलग नहीं है, तब वो हमारे पास आएंगे। हम जा करके वहां ऐसी कृष्ण भाषा का प्रयोग करेंगे कि अगला कहेगा अरे बाप रे ये अपनी जाति के नहीं है, ये दूसरे जाति के है। विशेषता का त्याग करना यह साधना है, निर्माण नहीं करनी। देखो इतनी कृष्णता जीवन में आ जाती है और धीरे धीरे वही उनका स्वभाव बन जाता है, तो वो जो बोल रहे हैं वो ठीक होता है लेकिन सुनने वाले को कुछ समझ में नहीं आता। जैसे हम बोल रहे हैं ठीक है समझ में कहाँ आ रहा है। देखो सब तो नहीं, तो इस अनावश्यक विशेषता में हम अपने आप को खो देते हैं। तो कहते हैं यहाँ मनस्तेषां तु निरागम अनुपाधि गत भ्रमम, अब उनके मन में किसी भी चीज के प्रति दुराग्रह नहीं है। और जितनी उम्र ज्यादा होती है उतना दुराग्रह ज्यादा होता है, अपने को बदलने को तैयार नहीं है। हमारे जमाने में ऐसा था तुम मरो वहां जाकर के, हमारे जमाने में देखो एक बार हम बस से जा रहे थे, कई हिमालय की बात है, हमारे साथ एक कन्या बैठी हुई थी और किसी कारण से बस एक जगह रुक गई। बोले स्वामी जी मुझे कुछ बताइए ना, हमने कहा तुमने वो पेड़ देखा है क्या, देखो बाहर वहाँ एक वटवृक्ष का कहो या पीपल का एक पेड़ था, हमने कहा उस पेड़ को देखो। बोले क्या देखना है हमें, देखो और मुझे बताओ तुमने क्या देखा है, तुमको सीखना चाहती है ना तो सीखो। उसने देखा, उसने क्या देखना है इसमें, हमने कहा तुम्हारी आंखें अंधी है। बोले हम बताओ, हमने कहा देखो ये पेड़ है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ से एक लोहे की जाली लगा दी है। बोले हाँ लगा दी है, कहीं कहीं स्थान पर वो लोहे के जाली को पेड़ ने निगल लिया है, होता है ना कई जगह में, ऐसे तुमने क्या सीखा। यदि ये लोहा अपने आप को उस पेड़ के आकार के अनुसार बदलने को तैयार नहीं तो वो पेड़ ही उसको निगल जाता है। हम यदि समय के अनुसार, हम यदि अपने परिस्थिति के अनुसार, हम अपने साधना के दृष्टि के अनुसार यदि अपने को बदलने को तैयार नहीं है हम निगल जाएंगे। अपने को बदलो, लेकिन हमारी परेशानी दूसरे को बदलना है। देखो महाराज, और जो स्वयं को बदलना चाहता है वही साधक है। साधक में दो बातें होनी आवश्यक है, एक होती है हम बदलने को तैयार है और हम बदलने को सक्षम है,
नहीं महाराज जी हम तो जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं सकते तो क्या करें। तैयार है लेकिन सक्षम नहीं है। दूसरे हम सक्षम है क्यों उठे जल्दी? क्या भगवान क्या ब्रह्म मुहूर्त के बाहर भाग जाता है कहीं? उसी समय पकड़ना है, वो कोई फ्लाइट है ये निकल गई, अरे भगवान निकल गए। देखो संतो अध्यात्म इसको कहते हैं। तो ये कौन है? मनस्तेषां तु निरागम अनुपाधिम गत भ्रमम असक्तम मुक्त समशांतम परम सत्व पदम गतम। तो यह जो असक्त है किसी के भी साथ आसक्ति नहीं। ये दवाई को लेकर के देखो कितने लोगों की आसक्ति होती है। हम तो एलोपैथी कभी लेते ही नहीं, हम तो आयुर्वेद लेते हैं, हम तो होम्योपैथी लेते हैं, हम तो नेचुरोपैथी में भैंस के जैसे गोबर में बैठ लेते हैं। बड़ा अच्छा लगता है गोबर को, रोज भैंस आती है आदमी आया। देखो संतो ध्यान होना चाहिए अपने स्वास्थ्य के तरफ, जिसके द्वारा स्वास्थ्य ठीक हुआ वो करो, मरना तो है ही ना। ये जो दुराग्रह है यही हमको अपने आप से दूर ले जाता है। अच्छा अब भगवान राम प्रश्न पूछते हैं। श्री राम उवाच प्राणस्पंद निरोधेन वासना विलयोदये जीवन मुक्त पदे ब्रह्म वद विश्रम्यते कथम। हे भगवान आपने दो प्रकार बताए, अपने मन को समाप्त करके जीवन मुक्ति के आनंद में प्रवेश करने के लिए आपने दो उपाय बताए। एक था प्राणस्पंद निरोधन और दूसरा था जीवन वासना विलय। दो था प्राणस्पंद निरोधन और वासना विलय, इसमें से हमको बताओ क्या है कैसा है। तो वशिष्ठ भगवान कहते हैं संसार तरणे युक्ति योग शब्देन कथ्यते ताम विद्धि द्विपकारा त्वं चित्तोपशम धर्मिणी आत्मज्ञान प्रकारोत प्राणानाम संयमस्तथा। संसार तरणे युक्ति योग शब्देन कथ्यते। अब देखो योग की परिभाषा क्या है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज वर्ड यदि कोई है तो योग है। तो कहते हैं जिसके द्वारा हम इस सापेक्षता के जगत से मुक्त होकर के संपूर्णता में निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, उस युक्ति को। देखो शब्द क्या है, युक्ति। युक्ति माने नैक। देखो कई लोग ऐसे हैं उनको कितनी भी फैसिलिटी दो वो अपना सत्यानाश कर ही लेते हैं, और कई ऐसे हैं कि उनको कहीं भी डाल दो ऊपर उठ के आ जाते हैं, उनके पास वो नैक है। जैसे हम बाइसिकल पर बैठते हैं तो बैलेंस रखना ये एक नैक है। जो नहीं जानना नहीं जानता कैसे उसका बैलेंस रखना है वो 10 बार गिरेगा, और जिसने वो नैक जान ली बस वो गिरेगा नहीं अभी। इसी प्रकार से तैरना पानी में वो भी एक नैक है। देखो वैसे ही ध्यान से सुनना, इस द्वैत के जगत में रहते हुए भी अद्वैत की हानि न होवे ये जीवन की प्रणाली कैसी है, इसकी एक नैक है युक्ति। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त युक्त माने बैलेंस। युक्ताहार विहारस्य कितना खाना है कितना नहीं खाना है, कितना चलना है कितना नहीं चलना है, कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है, कितना सोना है कितना नहीं सोना है, इसका बैलेंस सही जीवन में ये युक्ति है साधना की।
द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नचा युक्तस्य भावना नचा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अयुक्तस्य बुद्धि ही नास्ति, जिसको ये नैक नहीं है उसकी समझ ठीक नहीं होती। देखो एक उदाहरण से समझ लो, एक बार न्यूटन और हम दोनों एक एप्पल के बगीचे में गए, दोनों साथ साथ जा रहे थे और वहां एक एप्पल का फल पेड़ से नीचे गिरा और दूसरा भी गिरा, तो हम जो थे उस पेड़ के फल को उठा करके साफ किया, खाना शुरू कर दिया और न्यूटन ने खाना शुरू नहीं किया, उसने सोचना शुरू कर दिया, यार ये पेड़ ये फल ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो वो बन गए न्यूटन आनंद और हम बन गए गड़बड़ानंद। युक्ति नहीं है युक्ति। जो व्यक्ति अपने जीवन के अनुभूति से सीख नहीं सकता उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। देखो ये युक्ति चाहिए और ये तभी हो सकती है जब आप युक्त हो। जैसे जिसके हृदय में भक्ति होती है वो भक्त है, जिसके बुद्धि में युक्ति होती है वो युक्त है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, फिर नचा युक्तस्य भावना, जिसमें ये युक्ति नहीं है वो भावना भी नहीं कर सकता। क्या भावना करनी है? अभी हमारी भावना है हम पति पत्नी भाई बहन माँ बाप और बड़े दुखी हैं। अब युक्ति करो, यार ये कौन है, ये बकवास है सब छोड़, हम तो आदमी हैं। लेकिन यार कमर में बड़ा दर्द है, अरे यार दर्द तो मन में होता है, देह में थोड़ी होता है, चलो मन में चलते हैं। देखो धीरे 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 अपने ही चिंतन के द्वारा भावना के द्वारा हम दूर से हट करके अपने सेंटर के पास पहुंच जाते हैं। जब तक के हम अपने फेरी फेरी में रहेंगे तब तक के भटकते रहेंगे। सेंटर में आ जाओ, और ये सेंटर बड़ा विचित्र है, ये सेंटर ऐसा है कि जो हर जगह है लेकिन इसको कोई सर्कमफरेंस नहीं है। इट इज ए सेंटर विदाउट सर्कमफरेंस दैट वी आर। पकड़ो उसको। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, यही भावना करनी है। जैसे आकाश सबको आधार देता है, किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, क्या वही अपना स्वरूप नहीं है? आंखें सब रूप रंग को आधार देती है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। मन सभी विचारों को आधार देता है, किसी वृत्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होता। हम जागरण स्वप्न सुषुप्ति समाधि सबको आधार देते हैं, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होते। क्या हमको इसमें कुछ करना है? कुछ करना नहीं, ये अपना स्वरूप है, ये बनाना नहीं है हमको, ऐसा है ही। चाहे आप जानो या न जानो, चाहे मानो या न मानो, आप साक्षात परमात्मा हो। This is too much. दुखी होने की आदत है ना। अच्छा महाराज, तो संसार करणे युक्ति योग शब्दे न कथ्यते। तो इस संसार से निकल जाना, कैसे निकल जाना, इस युक्ति को कहते हैं योग। एलोपैथी में और आयुर्वेद में क्या फर्क है? एलोपैथी में जो ट्रीटमेंट होती है वो सिम्टोमेटिक होती है, कहीं दर्द है अच्छा ये पेन किलर ले लो। पेन किलर माने क्या? विच किल्स यू विदाउट पेन।
पेनकिलर इज नॉट ए क्यूरेटिव मेडिसिन. आयुर्वेद में क्या है, उस लक्षणों को देख करके उसके कारण तक पहुंच जाते हैं. आपका कफवात पित्त का बैलेंस गड़बड़ हो गया है, फिर आपको वो ऐसी कड़वी भयानक दवाई देंगे कि जिसके द्वारा आपका बैलेंस ठीक हो जाएगा. जैसे आपका कारण ठीक हो गया है, कार्य अपने आप गड़बड़ खत्म. शास्त्र का चिंतन यही बताता है. दुखी है, एग्रीड दुखी है, अब उसका कारण ढूंढो. देखो मैं पत्नी के कारण दुखी हूं तो क्या करना है, डाइवोर्स कर लो एलोपैथी. अच्छा मैं पत्नी के कारण दुखी हूं, आयुर्वेद क्या करे कहेगा, चिंतन करो. पति क्या ये प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है, क्या ये सामान्य नाम है कि विशेष नाम है. अब कौन सी तो कॉमन नाउन माने जो सबके लिए कॉमन है. इस दुनिया में एक भी पति ऐसा नहीं कि जो सुखी है. अच्छा इवन राष्ट्रपति सुखी नहीं है. तो आप यदि दुखी हो तो कौन सी नई बात है, कॉमन है, सब सभी दुखी होते हैं, आप ही ठीक है. देखो आपने रोग का जो कारण है उसको टच किया है. देखो ये माँ बाप लोग बच्चों के कारण परेशान होते हैं. चिंतन करो, जब आपका पुत्र साक्षात भगवान का अवतार होता है, ऐसे दशरथ जी अपने पुत्र के कारण ही मरते हैं और आपके पुत्र कबूतर, क्या एक्सपेक्ट करते हो उनसे. ये समझदारी से जीना ये है योग. इसीलिए कहते हैं संसार तरणे युक्ति योग शब्दे न कथ्यते. भगवान कृष्ण के अनुसार योग किसको कहते हैं, जीवन में दुख आने के बाद दुखी होने से इनकार करने की क्षमता को योग कहते हैं. देखो आउटिस्ट करे नहीं, उसको कहते हैं. तो कहते हैं ताम विधिम द्विप्रकारात्वम चित्तोपशम धर्मिणीम आत्मज्ञान प्रकाशोथ प्राणानाम संयमस्तथा. तो ये दो प्रकार का योग है. एक तो है आत्मज्ञान प्रकार, अपने को पहचान. दूसरा है प्राणानाम संयमस्तथा, उसी प्रकार से अपने प्राणों का संयमन. आगे कहते हैं प्रकारों दो अपि प्रोक्तौ योग शब्देन यद्यपि तथापि रूढ़िमायातः प्राणयुक्तौ असौ भृशम. हालांकि इस योग शब्द के दो अर्थ है, लेकिन रूढ़ि के अनुसार नॉर्मली जनरली एक ऐसी प्रथा हो गई है, योग माने क्या, आओ ट्विस्ट करें. पूरे जगत में कहीं भी चले जाओ आप, योग शब्द का यही अर्थ है. और वहां के जो विद्यार्थी होते हैं योगा के स्टूडेंट्स, फिर सब दुनिया भर के लोग सामने बैठे हैं बड़े ऑडिटोरियम में और ये स्टेज पर आएंगे और अपने योगासनों का प्रदर्शन करेंगे. फिर उसमें एक एक बीच में ताड़ासन के जैसा खड़ा है और उसके चारों तरफ से चार बेवकूफ एकदम मोड़ासन से खड़े हैं, फिर इनके दोनों के बीच में फिर चार लोग हलासन से लेटे हैं और वैसे खड़े रहेंगे और सब लोग ताली बजाएंगे. जैसे भक्ति ये प्रदर्शन नहीं होता, उपासना ये प्रदर्शन नहीं होता. मैं पॉलिटिशियन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं आदमियों की बात कर रहा हूं। हम लोग कई बार जाते हैं तो लोग फोटो खींचना चाहते हैं। कैसा फोटो खींचेंगे? हाथ हमारे पैर को लगाएंगे और अपना चेहरा कैमरे की तरफ। ये प्रदर्शन के लिए नहीं होता। तो जैसे उपासना अपने उद्धार के लिए है, वैसे भी योग पब्लिक को डेमोंस्ट्रेट करने के लिए नहीं है, लेकिन उसी की रूढ़ी हो गई। इसी प्रकार से यहां कहते हैं प्राण का, ये योग का अर्थ कहते हैं दो प्रकारों अपि प्रोक्तो योग शब्द ने यद्यपि तथापि रूढ़ि मायाता प्राण युक्तो असो वृषम। तो योग माने क्या? प्राणायाम करो, इसी में सब लोग समझ जाते हैं। अच्छा, समो उपायौ शास्त्रोक्तौ नूनम एक फल प्रदौ असाध्य कश्चित् कस्यचित् योगः कस्यचित् ज्ञान निश्चयः। अब ये दो मार्ग है, दोनों का फल एक ही है। एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति सः पश्यति, पांचवें अध्याय में भगवान कहते हैं। योग माने ये प्राणायाम इत्यादि, सांख्य माने ज्ञान। ये दो दिखने के लिए अलग है, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, एक ही फल है। और आगे कहते हैं कि ये दो इसलिए है, असाध्य कस्यचित् योगः कस्यचित् ज्ञान निश्चयः। कोई ऐसे है कि जिनको ये योगा करना संभव ही नहीं, इसलिए संभव नहीं है कि उनकी प्रवृत्ति उस पर होती ही नहीं। हम आपको आपकी अपनी बात बताते हैं। एक हमारे मित्र थे, वो भी बाबा जी, हमारे मित्र कौन हो गए, तो उन्होंने हमको, हम जब पढ़ते थे हमेशा कहते थे यार तू योगा नहीं करता, कुछ आसन किया कर, प्राणायाम किया कर। हमने कहा यार तू कर ले मेरे नाम से, मेरे से नहीं होता। बोले देखो स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, हमने मुझे स्वस्थ नहीं रहना है। जो आदमी बीमार होते हैं ना वो भगवान की देन है, जो स्वस्थ होते हैं ये समाज के लिए समस्या है। कैसे? कोई भी टेररिस्ट देखा के बीमार है? ये जितने भी स्वस्थ है ये सब टेररिस्ट है। घर में कोई बूढ़ा हो स्वस्थ हो और घर के जवान बच्चे लोग 9 बजे से 10 बजे तक सोते हैं, तो ये जो टेररिस्ट है सबको परेशान करता है। जल्दी उठा करो, जल्दी उठा करो। अब इनको जल्दी उठने के परेशानी नहीं है, क्योंकि रात भर सोए नहीं। स्वस्थ तो हम उसके हमेशा मजाक उड़ाते, फॉरगेट अबाउट इट। और वो अपने मार्ग से गए, हम अपने मार्ग से गए। 20 साल के बाद हमको भय मिले। हमने कहा कहो योगी कैसे हो? बोले यार क्या बताऊँ, मेरे लंग्स में बहुत पानी भर जाता है और मेरे कमर के जो नीचे की हड्डी है वो एकदम एकदम एक हो गई है, अब हिलती नहीं और चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्या कारण हो सकता है समझ में नहीं आता। हमने कहा योगा। तो कोई कारण नहीं, एक बात याद रखना, सीधी बात है। हम सभी के सभी जैसे फैक्ट्री से निकले वी आर परफेक्ट, अपने मोबाइल फोन के जैसे परफेक्ट टेस्टेड है आगे बाहर, पर बाहर आने के बाद फ्री डाउनलोड, और इतनी दुनिया भर की ऐप्स उसमें डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें से 2% भी ऐप्स कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया भर की इतनी डाउनलोड कर ली है उसके कारण हमारा डिवाइस हैंग अप कर दे। इसी प्रकार से अपना शरीर जैसे चलना है वैसा ही भगवान ने निर्माण किया है, लेकिन दबाओ, खाते जाओ खाते जाओ, अरे कभी तो रुको। तो कोई ऐसे है
कि जिनके लिए योग असाध्य है वो नहीं कर सकते योग, और कोई ऐसे है कि उनके लिए ज्ञान असाध्य है, यहाँ उनको कुछ पढ़ने को बताओ या ध्यान के लिए बैठेंगे तो दो मिनट में उनका झटका मेडिटेशन शुरू हो जाता है। आपको पता है ना झटका मेडिटेशन, कई बार लोग जब बैठते हैं तो ऐसा करते हैं, ये नींद है और कुछ नहीं है, ये कुंडलिनी का चक्कर नहीं है, ये नींद है, सीधी सीधी बात। देखो इसीलिए दो प्रकार के लोग हैं दुनिया में, जो योग कर सकते हैं या जो ज्ञान में चल सकते हैं। तो अपनी औकात पहचानो, आप किस लिए लायक हो आप निश्चय करो। देखो कैसे कैसे प्रश्न हम पूछते हैं, स्वामी जी मुझे समझ में नहीं आता मैं किसको इष्ट बनाऊं, हमें कहा हेमा मालिनी को बना। अब ऐसे प्रश्नों के क्या उत्तर दोगे आप, किसको इष्ट बनाऊं, मुझे क्या अच्छा लगता है। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए योगा ठीक है, जिनके बुद्धि का दिवाला निकला है वो योग में चले जाए। अच्छा महाराज यहाँ जो योगी होंगे उनको छोड़ के, नहीं तो सत्संग के बाद मेरी खैर नहीं। अब वशिष्ठ जी कहते हैं मम तु अभिमतः राम सुसाध्यो ज्ञान निश्चयः तयोः ज्ञानं तव प्रोक्तं योगोऽयं प्रोच्यते शुनो। तो मेरे दृष्टि से तुम पूछो, भगवान राम को कहते हैं वशिष्ठ जी, हे राम मम अभिमतो राम सुसाध्यो ज्ञान निश्चयः, ज्ञान मार्ग से चलना बहुत आसान है सरल है, इसमें बाहर किसी भी वस्तु की आवश्यकता है। आप देखेंगे हमारे टेररिस्ट बंधु जब जाते हैं तो उनके कंधे में एक AK-47 लटकी होती है, जा भी जाएंगे वैसे ही ये योगी जब जाते हैं उनके कंधे में एक योगा मैट्रेस लटकी होती है, जहां भी खटाट से निकाले शवासन। ज्ञान के लिए कोई मैट्रेस की जरूरत नहीं, कैसे, केवल अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके उससे सीखना है, बाहर की एक भी वस्तु की आवश्यकता नहीं। जब हम अपने जीवन के अनुभूतियों से सीखना, इसको कहते हैं ज्ञान की साधना, ये स्वीकार करेंगे उसी दिन से समझ लेना आपके जीवन में प्रातः काल हो गई है, नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे पूरे जीवन में। अपनी अनुभूति से सीखना है, और कैसे सीखना है, आप देखो जहां भी हो वहां क्या हम करना योग्य है अयोग्य है, बिल्कुल सिंपल बात है, अमुक खाया पेट गड़बड़ हुआ तो मत खाओ, आपने ज्ञान साधना कर ली है, आप ध्यान के लिए बैठे नींद आ रही है ध्यान को मत बैठो, देखो या सो जाओ, नींद के साथ ध्यान करोगे ना घर के ना घाट के। इन शॉर्ट हमेशा एकदम अलर्ट रहना है, ये अपने अंदर सीखना है। जगत में कार्य करते समय हमारा ध्यान कहाँ होता है, या तो दुनिया में होगा या तो अपने तरफ होगा या तो अपने मन में होगा। दुनिया की तरफ ध्यान होगा तो दुनिया को सुधारने के लिए परेशान हो जाएंगे, जिस दुनिया को भगवान ने सुधार सका हम सुधारेंगे। देखो उसी प्रकार से हमारा ध्यान हो सकता है अपनी तरफ, मैं 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 मैं,
दोनों में परेशानी है, दुनिया सुधरेगी नहीं इसीलिए परेशान। जो व्यक्ति मैं करता है उसको कोई सुनता नहीं फिर परेशान। देखो मैं लोगों को इतना सिखाता हूँ, मैं उनको अपने अनुभव देना चाहता हूँ लेकिन लेते नहीं कोई। हमने कहा कि एक सज्जन ने हमको कहा, गृहस्थ ने हमको कहा, स्वामी जी मैं अपने बच्चों को अपने अनुभव बताना चाहता हूँ लेकिन वो सुनते नहीं, क्या करें। हमने कहा मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप सुनोगे? क्या? मैंने खाना खा लिया, बड़ा अच्छा है, आप मत खाओ, मेरा अनुभव है। अनुभव कैनॉट बी ट्रांसफर्ड। आपको अपना होना चाहिए। अपना अनुभव कैसा है? एप्पल फोन, यू कैनॉट ट्रांसफर एनीथिंग फ्रॉम हियर टू देयर, यू हैव टू गो थ्रू द आई ट्यून। और आई ट्यून क्या है? आई क्वार्टर, उसके ट्यून में रहो। देखो महाराज, तो फिर हम यदि अपने अनुभूतियों से सीखे तो हमारे मन पर संस्कार निर्माण नहीं होते। आध्यात्मिक साधना माने मन पर संस्कार निर्माण नहीं होने देना, तैरना माने पानी में डूब के नहीं मरना, सब्जी काटना माने उंगली नहीं काटना। देखो रोटी बनाना है माने हाथ को नहीं जलाना। देखो एक लड़की को हमने देखा, उसकी अब तो शादी हो गई उसकी, उसका ये सब आया है दहना यहाँ, बड़ा विचित्र ऐसा दाग सा पड़ा हुआ है। हमने कहा यार तू इतनी सुंदर है यहाँ क्या हो गया? तो उसने अपनी माँ की तरफ देखा, स्वामी जी मेरी माँ है कहाँ है? बोले ये वाइल्ड है। कैसे वाइल्ड है? बोले इसको जब भी प्यार आता था ये मुझे काटती थी, तो जब से मैं छोटी थी जैसे मेरी माँ मेरे पास आती थी मैं अपना हाथ दे देती काट ले, और धीरे धीरे काटते काटते वहाँ दाग पड़ गया। ये ऐसा वाइल्ड लव क्या काम का? इसी प्रकार से जगत में ऐसे रहो कि मन पर एक दाग न पड़े, ऐसे रहो फिर हमारा मन दर्पण तुल्य हो जाता है, नहीं तो यहां दोस्त निर्माण करेंगे दुश्मन निर्माण करेंगे। और फिर मन एकदम किसी चीज का एक बार व्यसनी हो गया उसमें निकलना कठिन है। ये रोज आप देख सकते हैं अपने जीवन में, जैसे आप लोग यहां आकर के बैठते हो, हर एक व्यक्ति अपने ही उसी स्थान पर आकर बैठने का प्रयत्न करता है। देखो मन है ना, खाने के लिए बैठेंगे उसी जगह जाके बैठेंगे। इस प्रकार से ये मन को ये आदत लगती, इससे अपने आप को बचाओ, रिमेन एवर फ्रेश। तो कहते हैं मम तु अभिमतः राम सुसाध्यो ज्ञान निश्चयः। और फिर जैसे हमने अपने अनुभूति का विश्लेषण किया तब पता चलता है कि दुखी होने वाला कौन है, चिंतन करो। दुखी होने को जस्टिफाई नहीं करो, दुखी होने वाले का चिंतन करो, कौन दुखी है, तब पता चलता है। पहली बात, दुख मन में होता है, शरीर को दुख नहीं होता। और फिर जब ये मन देह के साथ तादात्म्य करता है तब एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ध्यान से सुनना, सुषुप्ति अवस्था में हमारा मन हमारे देह के साथ तादात्म्य नहीं करता लेकिन मन रहता है, माने तादात्म्य रहित रहना संभव है। और जब हमारा अपने मन के साथ देह के साथ तादात्म्य नहीं है उस समय हम सुखी भी नहीं दुखी भी नहीं। तो ये जो सुखी दुखी व्यक्तित्व का निर्माण होता है कब होता है? केवल तादात्म्य के साथ। तो साधना क्या करनी है? तादात्म्य को छोड़ो।
छोटे दायरे में से निकल करके अनंत में लीन होना, यही एकमात्र मार्ग है। इसलिए कहते हैं, मम तु अभिमतः राम सुसाध्यो ज्ञान निश्चय तयोः ज्ञानम तव प्रोक्तम योगोऽयम् प्रोच्यते शुणु। मैंने तुमको ज्ञान की बातें तो बताई हे राम, अब मैं तुमको योग की बातें बताता हूँ। यहाँ से भुशुंडी जी का एक प्रसंग प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग हमेशा के प्रोफेशनल सत्संगी हो, कई महात्माओं को सुन के रख दिया है, तो एकाध महात्मा ने आपको निश्चित सुनाया होगा कि रामचरितमानस के उत्तर कांड में खंड में काकभूषुंडी जी की कथा आती है। और इस कथा को लेकर के अब ये प्राण संयम या प्राणायाम, प्राण निरोध, इसकी जो आध्यात्मिक साधना है वो हमको बताते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कौवा बनना पड़ेगा। तो कहते हैं वशिष्ठ जी, अत्र ते कथयिष्यामि वृत्तांतं परमाद्भुतं शाता तपो मुनि प्राह पुरा स्थाने शतक्रतो हो मेरो ईशान कोणस्थ कल्प वृक्षस्य मूर्धने कश्चित् निवसति श्रीमान भुशुंडो नाम वायसः स विश्रांतिमतिः शान्तः वीतरागो महामतिः चिरंजीवी तथा स्वर्गे न भूतो न भविष्यति। इदं श्रुत्वा च तं द्रष्टुम् अहम् यातः कुतूहलान् कल्पद्रुमस्थ मद्राक्षं भुशुंडं द्विजसेवितम्। अब कहानी शुरू होती है। कहते हैं कि हे राम, मैं तुमको एक इसके बारे में एक कथा सुनाता हूँ। जहाँ कथा की बात आती है तो हम रिलैक्स होते हैं, अब मजा आएगा। देखो, शास्त्रों की कथा का तात्पर्य निर्णय करना, इसीलिए कथा सुनते हैं। यदि तात्पर्य निर्णय नहीं कर पाएंगे तो हम अनावश्यक चीज़ों में फंस जाते हैं। तात्पर्य ये जो बताया क्यों बताया है, क्या तात्पर्य क्या है। जैसे बचपन में पिताजी हमको चाटा लगाते हैं तो तात्पर्य क्या है, हमको डिसिप्लिन करना हमारा भला हो, ये तात्पर्य है। हमको मारना ये तात्पर्य नहीं है। देखो, ये आयुर्वेद के डॉक्टर आपको बहुत भयानक कड़वी दवाई दे देते हैं, तात्पर्य क्या है, आपको कड़वा पिलाना नहीं, तुम्हारे अंतकरण में या जीवन में जो रोग उसका निवारण। इसी प्रकार से शास्त्रों में जो कथाएं बताई है उसका विश्लेषण नहीं करना, उससे सीखना है तात्पर्य क्या है। लेकिन ये जब बात नहीं होती तो ऐसे आदमी आर्गुमेंट में लग जाते हैं। जैसे एक हमने आपको कथा बताई थी, ऋषभ देव जी महाराज इस पृथ्वी के राजा थे, उन्होंने 10,000 साल राज्य किया। इतने साल राज्य करने के बाद भी वो बोर हो गए, फिर उन्होंने अपना राज्य अपना पुत्र भरत इसको दे दिया। उन्हीं भरत जी के नाम से हमारा देश भारत कहलाता है। कई लोग वो दुष्यंत शकुंतला के पुत्र के नाम से कहते हैं, वो शास्त्र सम्मत नहीं है। ये भरत जी के नाम से भारत देश पड़ा है, श्रीमद् भागवत में कथा आती है। और फिर उन्होंने क्या किया, जंगल में जाकर के, फिर जंगल में जाकर के उन्होंने तपस्या करी और परमात्मा में लीन हो गए। कहानी खत्म। अब हमने क्या सीखा? कॉक एंड बुल स्टोरी। कौन जीता है 10,000 साल और इतनी धन दौलत लेके चले जाएगा, कोई पागल हो गया क्या? ये हमारा उस कहानी से सीखना। जिनको तात्पर्य निर्णय की सूक्ष्मता प्राप्त हो गई है वो ये ऐसा चिंतन करेंगे, अच्छा माने 10,000 साल राज्य होने के बाद भी निष्कंटक राज्य, कोई शत्रु ने कुछ नहीं, सब जगह बढ़िया है, फिर भी उसमें कृतकृत्यता नहीं आती। आप अपने में देखो, आप सभी अच्छे घर के हो, सब खाना पीना सब ठीक है, घर है, कोई समस्या नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी क्या आपके मन में कृतकृत्यता आई है?
यदि आई है तो बहुत अच्छा है, नहीं आए तो आज तक जो किया गलत किया है। देखो फिर जिस प्रकार से हमने अपना गलत जीवन एकाग्रता से जिया है, उसी प्रकार से अब साधना का जीवन एकाग्रता से जियो ना। जीवन में एक्सपेरिमेंट करना है। आज तक हमने देहात्म भाव से जिए, अब आज के बाद ये अभ्यास करेंगे देहात्म भाव रहित जीवन कैसा होगा, ये अभ्यास करेंगे। देहात्म भाव से जब जिए हैं तब मैं पति पत्नी भाई बहन मां बाप सास ससुर, अब यदि मैं देहात्म भाव से मुक्त हो गया तो जीवन कैसा होगा, अब खेलना शुरू करो। देखो पत्नी ने डांटा तो खेलना शुरू कर दो, पति को डांटा है अपन को थोड़ी डांटा। कितनी सरल बात है, बच्चे नहीं मानते बात, एनीवे बाप दुखी है अपन तो आदमी है। ट्राई करके देखो, धीरे धीरे होगा, ये ओवरनाइट नहीं होता। लेकिन हम ऐसे फंसे रहते हैं ये संग्रह में और रिश्तों में, संग्रह और संबंध यही बंधन है। सभी शब्द एक ही रूट से निकले हैं। देखो सम्यक ग्रहणम संग्रह, सम्यक बंधनम संबंध। देखो इसीलिए यहां अब ये कहानी बताते हैं, इसमें कहते हैं कि एक मैं तुमको एक कथा बताता हूं। एक बार की बात है, इंद्र के दरबार में एक महातपस्वी थे शाता तप, उन्होंने एक कहानी बताई। कहते हैं मेरु पर्वत के ईशान कोण में, माने नॉर्थ ईस्ट में एक कल्प वृक्ष है, और उस कल्प वृक्ष पर एक वायस माने एक कौवा बैठता था और उसका नाम था भुशुंड, और वह हमेशा विश्रांत मति ही हमेशा शांत रहता था। देखो आप कौवों के बारे में तो बहुत जानते होंगे, एक जानकारी मैं आपको देता हूँ, शायद ही किसी को होगी। ये कौवे को मरने के बाद वो पिंड के समय आवश्यकता होती है ना, सभी पक्षी छोड़ के कौवे को क्यों बुलाए। कौवा ही ओनली कल्चर्ड बर्ड, सबसे ज्यादा कल्चर्ड बर्ड होगा तो कौवा है, बाकी कोई नहीं। कैसे मुझे बताओ, आप में से किसने कौवा कौवी का लाग देखा है। कबूतरों का तो 24 घंटे देखते हैं, सभी प्राणियों का मिलन जो है स्त्री पुरुष का हर जगह देखते हैं, कभी किसी ने कौवे का देखा है। वो जानवर नहीं है, जानवरों में होता है, और इसीलिए उनको ये मान प्रदान है कि जब वो इस पिंड का स्पर्श करेंगे तभी वो जीव मुक्त होकर के यमराज के पास पहुंच जाता है, नहीं तो भटकते रहता है प्रेत की योनि में। तो यह जो वायस था कौवा था, इनका नाम भुशुंड था, पर विश्रांत मति ही हमेशा शांत रहता था। नॉर्मली कौवे देखेंगे आप बिल्कुल शांत नहीं होते, इधर देख उधर देख वहां रोकता, विश्रांत मति ही शांत, अत्यंत शांत था। वीतराग, उसके मन में किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं था, और महामति बहुत ही इंटेलिजेंट था और चिरंजीवी, और वो चिरंजीव था, कभी मरता नहीं था। हर चीज दुनिया में आके मर जाती है, लेकिन ये भुशुंडी जो है ये कभी मरता नहीं। स्वर्गे न भूतो न भविष्यति, ऐसा ना कभी हुआ है ना आगे होने वाला है, ऐसा ये भुशुंडी नाम का कौवा या वायस था। इदम श्रुत्वा च तम द्रष्टुम अहम यातः कुतूहलात्, जब मैंने ये कथा सुनी कि ऐसे ऐसे स्थान पर ऐसा ऐसा कौवा रहता है, तो मेरे मन में बड़ा कुतूहल हो गया। अरे ये ऐसा कैसा हो सकता है कौवा, किसी ऋषि की बात हो महात्मा की बात हो तो आदमी स्वीकार भी कर लेगा, लेकिन कौवा ऐसा है,
ऐसा सोच करके वशिष्ठ जी कहते हैं मैं बड़ा विचित्र सा से पहुंच गया उनके पास और कल्पद्रुमास्तम मद्राक्षम मुशुंडम द्विजसेवितम, और जब मैं वहां गया तो मुझे और भी आश्चर्य हुआ। आश्चर्य ये था, ये जो वशुंडी नाम का कौवा था अपने कल्प वृक्ष पर बैठा हुआ था और नीचे चारों तरफ से सभी ब्राह्मण इत्यादि अनेक पूजा द्वारा उनकी स्तवन कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे, उनको आदर प्रदान कर रहे थे। अरे ये क्या बात है, कौवे को ये ब्राह्मण लोग आकर के पूजा इत्यादि के द्वारा इनका सत्कार कर रहे हैं, तो ये ऑर्डिनरी कौवा नहीं हो सकता। फिर अशंकितम अपि प्राप्तम वशिष्ठम अवबुद्ध माम अर्घ्य पादारी संपाद्य माम उवाच खगादिपः। तो ये जो पक्षियों में जो श्रेष्ठ था उसने जब मुझे देखा और मुझे पहचान लिया उसने कि मैं वशिष्ठ हूँ, क्योंकि वो ज्ञानी थे, और आने के बाद उन्होंने पहले मुझे अर्घ्य पाद पानी दे करके मेरी अगवानी करी और उसके बाद फिर पूछा कि हे भगवान मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। देखो ये बात भी बहुत महत्व की है, हम लोग जब स्वामी बन जाते हैं ना तो ऐसे लगता है किसी की सेवा करना अपना अपमान है। देखो महाराज कितनी जगह होता है, देख रहे हैं कि कुछ काम करने की आवश्यकता है लेकिन हम बाबा जी बन के बैठे नहीं करेंगे। अरे उठो, जो व्यक्ति सेवा करने से पीछे हटता है वो साधना नहीं कर सकता। जहां जरूरत है कूद पड़ो, डजंट मैटर व्हाट यू आर, लेकिन हम बैठे रहेंगे बिल्कुल मौन होकर के बेवकूफ के जैसे। नो, लिव लाइवली। देखो ऐसा अपना वो उड़ गया है वैराग्य और माने डिस्पैशन और डिप्रेशन एक जैसे दिखते हैं। देखो जो डिप्रेशन में है वो भी मूवर है, और जो डिस्पैशन में है वो मुंह लटकाते नहीं। जगत में ऐसे रहे कि हर व्यक्ति हमको चाहे तब तो जीवन है, ये तो अरे बाप रे आ गया बाप रे। तो वो तुरंत उठ करके इतने बड़े खगाधिपत है भूषुंड जी महाराज, उठ करके उन्होंने उनकी सेवा करी, अगवानी करी। फिर कहते हैं किमर्थम अध्यागमनम आज्ञान में दातुम अर्हसि, हे भगवान आप यहाँ क्यों आए, मुझे आज्ञा कर दे मैं ही आपके पास पहुंच जाता। कितनी नम्रता है, विद्या विनयेन शोभते। देखो संतो सेवा लेना ये सबसे बड़ा पाप है, सेवा करना है। कितनी छोटी छोटी बातें होती है लेकिन फिर हम अपने आप को बड़े समझ लेते हैं और सेवा नहीं करते। तो कहते हैं किमर्थम अध्यागमनम आज्ञा में दातुम अर्हसि इत्युक्तो हम तवा पृच्छ तदा अपृच्छम जाता कस्मिन कुले भवान कियत आयुष्य ते साधो ज्ञात देय कथम भवान इति पृष्ठो भुषुंडोसो प्रवक्तु उपचक्र में। जब ऐसी बात हो गई तब मैंने उनको पूछा, वशिष्ठ जी इंडियन हो गए, अपने सभी इंडियन लोगों के प्रश्न पूछे, हम जहाँ भी जाते हैं यही प्रश्न, स्वामी जी आप कहाँ के हो, यहाँ के बाद कहाँ जा रहे हो, भाड़ में जाने वाले हैं, वर्तमान में रहने का सवाल ही नहीं कोई, कहाँ से आए हो, कहाँ पैदा हो गए, क्यों पैदा हो गए। तो हमारे वशिष्ठ भगवान ने उनको पूछा जाता कस्मिन कुले भवान, आप किस कुल में पैदा हो गए, आप ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो। हमारे बम्बई में हम इश्कॉन के मंदिर में जाते हैं सत्संग के पहले, नियम से 10 मिनट 20 मिनट मिले कि हम जाकर के मत्था टेक के वापस आते हैं। तो वहाँ फुटपाथ पर एक मकान है
और वहाँ एक चौकीदार बैठता है और मैं उसको वहाँ से प्रसाद लाता हूँ, चौकीदार को देता हूँ। कई सालों से चल रहा है ऐसा, चौकीदार भी वही है, प्रसाद भी वही, मैं भी वही, रास्ता भी वही है। कभी मैंने पूछा नहीं कौन है, क्या है, कैसा है। एक दिन गलती कर ली, देखो मैंने पूछा, महात्मा जी आपका नाम क्या है? मैं ब्राह्मण हूँ, शरयू पारिन ब्राह्मण। देखो कितना मनुष्य को अपने होने का अभिमान होता है। तो इन्होंने पूछा, आप किस कुल में पैदा हो गए और कियत आयुष्य थे साधो? ये साधु जी आपकी उम्र कितनी है? तीसरी बात कहते हैं, ज्ञाता देह कथम भवे, आपको ये ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया? इति पृष्ठ भूषण असौ प्रवक्तुं उपचक्र में। ऐसे जब तीन प्रश्न मैंने पूछे तो भूषण जी ने अब उत्तर देना प्रारंभ कर लिया। कहते हैं, हरस्य प्रमथा सन यद्वत् परिवारो हि मातरः, जया च विजया चैव जयन्ती चापराजिता, सिद्धा रक्ता अलम्बुसा चा उत्पला चेति विश्रुता, कदाचित् मिलिता चक्रुः उत्सवं परमं मुदां, तासां तदा तासां च वाहाश्च नन्द्रतु पपुरासवं, वज्रास्ति तुंडक चंडाक्यं काको यरुम्ब सारथः। कहानी बताते, एक बार की बात है, जैसे शिव जी के अनेक प्रमथ माने उनके साथ रहने वाले जो उनको मदद करने वाले होते हैं, उसी प्रकार से ये अनेक सिद्धार्थी जिसको मातर कहते हैं, मातृ कहते हैं, जिन्होंने योग शास्त्र या जिसमें ये जादू टोना पूजा पोथी करते हैं, तंत्र शास्त्र, जिन्होंने तंत्र शास्त्र का अध्ययन किया है उनको पता है उसमें अनेक देवी देवताओं का वर्णन होता है। आप देवी भागवत पढ़ो उसमें कितनी देवी को वर्णन है, छिन्नमस्ता और वक्रतुंडा और क्या क्या है भगवान जाने। तो कहते हैं उनकी भी ये अनेक प्रकार की सखियाँ थी या उनके साथ रहने वाली थी, उनके नाम बताए, जया विजया जयंती अपराजिता इत्यादि। फिर उनके भी अपने अपने वाहन थे और तदा तासाम च वहाँ च नंद ऋतु पपू आसवा, पपू आसवा मीन्स आसव माने ड्रिंक्स, पपू माने उन्हें पी, उन्होंने भी सब उनके मालक लोग पी रहे थे क्योंकि सेलिब्रेशन करना है, तो ये जो नौकर लोग थे ये भी पी गए, जो वाहन चालक थे वो भी पी गए और फिर सबको चढ़ गए। चढ़ने के बाद ये जो रहस्य स्थिता बाह्य ब्राह्म्या तेन काकेन रेमिरे अथ सा गर्भधारिण्या सुते स्मांडजान क्रमान विरंचय सरसी स्फारे तनयान एक विंशति। फिर उसके बाद वहाँ उन्होंने एक दूसरे के साथ खूब भोग किया। उसमें एक काक था, कौवा था, उसका नाम था वज्रस्थितुंड चंडाक्य उसका नाम था, और उसकी जो चोंच थी एकदम बड़ी पक्की थी, और ऐसे सभी के सभी जितने काक थे उन्होंने उन हंसियों के साथ बड़ा भोग किया, आनंद किया, सब पिए हुए थे। फिर क्या हो गया, फिर उनके अंडे हो गए, अंडों से बच्चे निकले 21 योग्य समय पर, और ये अंडे टूटे फूटे उसमें से बच्चे निकले मानस सरोवर में। फिर कहते हैं, एवं ताभ्या हंसिभ्यो जाता वयम इमे मुने, इस प्रकार से ये सभी हंसी, हंस की जो पत्नी हंसी, उन्हीं से हम सब पैदा हो गए हैं। अब आगे कहते हैं, मातृ भी सह हंसी भी ब्राह्मी भागवती तथा भगवती तथा चिरम आराध्यस्मादि प्रसाद प्राया तथा तथैवानुगृहीता स्मो यथा मुक्त वयम स्थिता। तो फिर हम अपनी जो माताएं थी हमसी, और हमने ब्राह्मी भगवती की बहुत उपासना करी, उनकी आराधना करी, और फिर उससे हमको बड़ा प्रसाद मिला, और उससे बड़ा प्रसाद मिल करके हम यहाँ मुक्त हो गए। आगे कहते, संतृप्त मनसः शान्तः तु एकान्ते ध्यान संस्थितौ तिष्ठाम इति निश्चित्य पितुः पार्श्वे वयं गतः। कहते हैं,
इस प्रकार से मैं संतुष्ट होकर के एकदम शांत हो गया हूँ और इस पेड़ पर आकर के शांति से एकांत में मैं निवास करने लग गया हूँ। और फिर इसके बाद मैं अपने पिताजी के पास गया। तेनाय सर्व बाधानाम अगम्य कल्पना दया कथितम स्नानम अस्माकम तिष्ठो मात्र गतज्वरा अद्य में सकलम पुण्यम गत भवत आगमने नहीं। कहते हैं उसके बाद ये जो पेड़ है कल्प वृक्ष, इस पर किसी का प्रभाव नहीं होता। मुझे मेरे पिताजी ने चंडन ने बताया कि तुम जा करके वहाँ रहो, ये बड़ा अच्छा स्थान है और इसी में तुम्हारा भला होगा, इसलिए मैं इस पेड़ पर आके बैठा हूँ, कुशुंड जी ने बताया। ध्यान से सुनना पूरी कहानी, फिर उसका अर्थ निकालेंगे। फिर कहते हैं इत्युक्तो परते तस्मिन् इदं राम अहम उक्तवान भ्रातरस्ते विहंगेश तादृष्ट्वा महाधियः इह कस्मात् न दृश्यते त्वमेको हि दृश्यते। हे भगवान, आपने कहा था कि आप 21 थे, आप सबने तपस्या करी और आपको ब्रह्म पद प्राप्त हो गया, आप अमर हो गए, लेकिन बाकी के कहाँ गए? आप तो अकेले हो यहाँ। आपने कहा था 21 पैदा हो गए थे, तो बाकी के 20 कहाँ गए, ये मुझे बताओ। तो भुषुंड जी कहते हैं तिष्ठा हम तिष्ठताम इह न कालो महान अतिगतो मुने युगा नाम पंक्तया क्षीणा कल्पा नाम च महामते एतावता च कालेन सर्व ममानुजाः तनु तृणिमिव त्यक्त्वा शिवे परिणता पदे। बोले हम सभी के सभी यहाँ इस काल के साथ रहते हुए भी काल के द्वारा हम प्रभावित नहीं हुए और फिर अनेक अनेक युग चले गए, आ गए, अनेक प्रकार के कल्प क्षीण हो गए और फिर भी हमारे जो बाकी के भाई थे वो धीरे धीरे अपने देह का त्याग करके ब्रह्म पद को प्राप्त हो गए। लेकिन दीर्घायुषो महान्तोपि संतोपि बलिनोपि च सर्व एव निगीर्यन्ते कालेन कलितात्मना। तो जगत में कोई भी हो, सबके सब काल के द्वारा एकदम नष्ट हो जाते हैं। इत्युक्ते न मया पृष्टा भुषुण्डो वासयादिपः कल्पान्तेषु महाबुद्धे वहत्सु आपात वायुषि प्रपत्सु इंदु अर्केषु कथं तिष्ठति विद्वर। फिर उन्होंने पूछा भुषुण्ड से, भुषुण्ड जी जब ये प्रलय हो जाता है तो उसमें भयानक वायु चलती है, चारों तरफ आग लगती है, चारों तरफ एकदम पानी ही पानी हो जाता है, सब उसमें नष्ट हो जाता है, आप कैसे रहे? सब तो मर गए, आप पर काल का प्रभाव कैसे नहीं हुआ? आपने क्या किया ये मुझे बताओ। फिर भुषुण्ड जी कहते हैं यदा शाम्यति कल्पान्ते व्यवहारो जगद्गतः आकाशे प्रतिष्ठानि विगता किल कल्पना। अब ध्यान से सुनना। जब हमारा मन देश काल और वस्तु इन तीनों के द्वारा प्रभावित न होकर के स्थिर रहता है, उस मन के स्थैर्य को संयम कहते हैं। एक ऑर्डिनरी अंग्रेजी ट्रांसलेशन से सेटिस्फाइड मत होना। आप देखो भगवद गीता के जो ट्रांसलेशन से द्वितीय अध्याय में आता है ये विषय, यानिशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। तो संयमी का तात्पर्य नॉर्मल ट्रांसलेशन जो उसमें होगा कि जिनका अपने पर संयम है, ये इसका अर्थ नहीं है, ये ऊपर ऊपर का अर्थ हो गया। संयम माने जिसके मन का स्थैर्य देश काल और वस्तु इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता, उस मन के स्थिति को संयम कहते हैं और ये जिसकी स्थिति है उसको संयमी कहते हैं। मन को कंट्रोल में रखना, पहले यही मालूम नहीं कि मन कंट्रोल में नहीं माने क्या है। हमारा मन कंट्रोल, बताओ कंट्रोल में नहीं माने क्या है, बताओ? कंट्रोल में नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। हमारा मन या तो देश में दौड़ेगा, या काल में दौड़ेगा, या वस्तु में दौड़ेगा, या परिस्थिति में दौड़ेगा, या व्यक्ति में दौड़ेगा, या स्मृतियों में दौड़ेगा, या तो भविष्य में दौड़ेगा। ये है मन का कंट्रोल नहीं होना। इन सबको इकट्ठा कर लो तो केवल तीन बातें बचती है, देश काल वस्तु।
जिसका मन देश काल वस्तु के द्वारा प्रभावित नहीं होता, ऐसे मन को कहते हैं संयमित मन। एक अपने अनुभव की बात आपको बताते हैं। एक बार हम कहीं गए थे, ये तांत्रिक लोग जो होते हैं अघोरी पंथ के, उनके साथ थे हम। तो वहाँ सब उनकी साधना रात को शुरू होती है, दिन को नहीं होती। 9 बजे 10 बजे उनकी साधना, सब बीच में अग्नि जलेगा, फिर उसमें वो आहुति डालेंगे और फिर गांजा तम्बाकू और जो भी होता है, नाम भी मुझे बता नहीं, फिर उनकी मदिरा दारू और फिर मांस मच्छी सब चलता है। हम वहाँ बैठे शांत बैठे, और फिर जैसे जैसे उनकी स्पिरिचुअलिटी ऊपर उठने लगे, वैसे वैसे फिर वो एकदम रंग में आने लग गए। फिर किसी ने हाथ में ढोलक लिया और डफली ली और फिर गाने लग गए, बड़ा आनंद, और हम शांत बैठे थे। उसमें से एक बूढ़ा जो सबसे बूढ़े थे तांत्रिक, वो कम से कम 4-6 घंटे के बाद एकदम उनकी शांभवी मुद्रा मेरे पास आ गए। बंगाली थे, महाशय यस महाराज आपकी बैठक पक्की है। हमने कहा हाँ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं। बोले नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ आपको, आप बड़े शांत बैठे, ये इतना सारा चल रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कुछ फर्क नहीं। फिर ये होने के बाद उसमें से दूसरे सज्जन हमको बोले, बोले महाराज एक बात की बात है, हम किसी गुफा में थे और हम बैठे हुए थे और हम जवान थे उस समय, और बाकी भी जो योगी थे वो त्रिदंड हाथ में लेकर के और मुंड माला और हड्डियाँ वगैरह सब करके पूरे वो राख लगी हुई है मुर्दे की सब लगा करके हम बाकी लोग बैठे थे, हम भी बैठे जाके। उतने में एक दूसरे साधु आ गए, बड़ी जटाएँ हैं, बम बोले करके आ गए, सभी के सभी लोग उठ गए, मैं नहीं उठा। जब मैं नहीं उठा तो उनको बड़ा क्रोध आया, तो मेरा अपमान करता है, आदर नहीं देता, तो फिर भी मैं उठा नहीं। फिर उन्होंने गुस्से में आकर के पृथ्वी की धारणा करी, माने अपने संयमित मन को पृथ्वी के साथ एक कर लिया, तो पृथ्वी का जितना वजन है उतना उनका वजन हो गया। फिर आ करके मेरी गोद में बैठे। अब किसी के गोद में पृथ्वी रख दो तो गुदगुदी होगी कि मर जाएगा। तो जैसे वो मेरे गोद में आके बैठे, तुरंत मैंने आकाश की धारणा कर ली, तो जैसे आकाश पर पृथ्वी का कोई प्रभाव नहीं होता, मुझ पर उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब वो उठ गए और मुझे नमस्कार किया, कहा कि तुम मेरे से श्रेष्ठ हो, और चले गए। अब इसमें सीखना क्या है, एक दूसरी कथा आपको बताते हैं। अपने शिरडी साईं बाबा का मंदिर यहाँ है, आप उनकी कभी पोथी पढ़ो तो उसमें एक कथा आती है। वो खिचड़ी बनाते थे, अपने भारत की डिश है, नेशनल डिश खिचड़ी, तो ये खिचड़ी वहाँ से चलती आ रही है। तो वो खिचड़ी बनाते थे, इतना बड़ा चूल्हा, उसके ऊपर इतना बड़ा बर्तन, और उसमें दाल चावल जो कुछ डालना है, और पानी खोल रहा है और एकदम पूरा अच्छी तरह से, और मिक्स करना होता है तो कड़छी नहीं डालते थे, अपना ही बाहर को ऊपर कर लिया और गरम गरम इसमें हाथ डाल करके मिक्स करते थे, उनको कुछ नहीं होता था। कारण क्या है, जो अग्नि की साथ धारणा करता है उसको अग्नि नहीं जला सकता। देखो ये योग शास्त्र में सिद्ध है, तो यहां यही बताते हैं कि यदा शाम्यति कल्पान्ते व्यवहारो जगत्यतः आकाश एव तिष्ठामि विगता खिल कल्पना। तो कहते हैं कि जब यह कल्पांत हो गया, माने महाप्रलय हो गया, उस समय सभी का सभी जगत का व्यवहार एकदम शांत हो जाता है, उस समय
मैं भी उस जगत में शांत नहीं हुआ, क्योंकि उस समय मैंने आकाश की धारणा करी। आकाश में सब निर्माण होता है और सब नष्ट होता है, लेकिन आकाश ना निर्माण होता है ना नष्ट होता है। इस प्रकार से ये जगत का निर्माण हुआ नष्ट हुआ, लेकिन मैं ज्यों का त्यों, क्योंकि मैंने यह आकाश की धारणा करी। इस प्रकार से जो भिन्न भिन्न चीजें आती है महाप्रलय में, उसको लेकर के उन्होंने क्या क्या धारणा करी वो हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।